जो एक ही पॉइंट के ऊपर रुका था और यहाँ पे जो नर्सेस थे 60 जो एक ही पॉइंट के ऊपर रुका था और यहाँ पे जो नर्सेस थे 60 तादाद में अलग गया तो मना मैंने कर दो हज़ार साल में मैं एमपी सिकंदराबाद था, जब ये कॉन्स्टिट्यूंसी सिकंदराबाद में था, महाराजगंज कॉन्स्टिट्यूंसी। जब मैं एमपी के लैट से एमपी फंड से उस्मानिया को एम्बुलेंस और स्क्रीन स्पेशलिस्ट का ऑपरेशन का होना उसको और जो जो पूछे हम 1 करोड़ रुपए तक ये इसको हेल्प किए हम उस्मानिया हॉस्पिटल को। जब जब सुपरटेंडेंट हमसे मिलके जो ज़रूरतमंद चीज़ ज़रूरत थे वो जो भी पूछे हम एमपी लैड्स के तरफ से सपोर्ट किए उस्मानिया हॉस्पिटल को एमपी लैड्स दिए हम। ये गवर्नमेंट आके 7 साल हुआ, हमारे अध्यक्ष जी बोले सर का 7 साल में क्या दिए, महीने को 2 लाख 1 लाख भी मेंटेनेंस को नहीं दे रहे, क्या हाल है इस बिल्डिंग का अंदर जो है तो पूरे फ्लोरिंग पूरा टूट के पड़ा हुआ है। सिंपल है, 10 लाख 8 लाख में होने वाले काम अभी पेंडिंग करके उसको पूरा डैमेज करके दिन पे दिन डैमेज करते जा रहे हैं। अब ये लोग क्यों चाह रहे हैं ये बिल्डिंग तोड़ना, क्या उसके पीछे कुछ रीज़न, क्या रीज़न होगा? ये देखो थोड़े लोग प्राइवेट वाले मल्टी हॉस्पिटल्स है ना, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, उन लोगों को यहाँ का पेशेंट, यहाँ हिंदुस्तान में फेमस हॉस्पिटल उस्मानिया हॉस्पिटल, अखंड आंध्र प्रदेश में नेल्लूर कर्नूल सब जगह से यहाँ को हॉस्पिटल को आते थे, ऐसे हॉस्पिटल पूरा खराब करके रख दिए, डैमेज करके रख दिए अच्छा खासा हॉस्पिटल को। ये प्राइवेट मल्टीनेशनल हॉस्पिटल्स वाले आ जाए सरकार के साथ जुड़े हुए वो लोगों को पैदा करने के वास्ते इसको डैमेज कर रहे हैं। पे एक तोहमत लगी थी जब लास्ट टाइम हम उस्मानिया हॉस्पिटल आए थे उत्तम अन्ना और अंजन अन्ना की सदारत में, जब यहाँ के लोकल मिनिस्टर श्रीनिवास यादव और एक मिनिस्टर है श्रीनिवास गौड़, ये बात बोले कि कांग्रेस पार्टी कभी भी उस्मानिया को डेवलपमेंट नहीं करी। मेरे हाथ में जियोज़ है, मैं आपको बताता हूँ, हर वक्त जियो कापीज़ है मेरे पास, हर वक्त कांग्रेस हुकूमत जब भी पावर में थी उस्मानिया को डेवलप करो बोली, उस्मानिया को मेंटेनेंस को पैसे दी। मगर अफसोस इस बात का है कि 7 साल से ये गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही और आज कांग्रेस ये मांग कर रही जो पसमंदा हालत में आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल आए, गांधी हॉस्पिटल देखिए, उस्मानिया हॉस्पिटल देखिए, नेशनल टेलीविज़न देखिए, स्टेट टेलीविज़न देखिए, प्रिंट मीडिया देखिए, सोशल मीडिया देखिए, हर जगह ये बता रहे। और आज मैं आपकी इतला के लिए बता दूं कि उस्मानिया में 3 बिल्डिंग आए, एक आईपी ब्लॉक, एक ओपी ब्लॉक और एक खुली कुतुबशाह ब्लॉक, और जो आईपी ब्लॉक है वो हेरिटेज बिल्डिंग है। हम कांग्रेस पार्टी ये बात बोल रही कि हेरिटेज बिल्डिंग को हम नहीं टच करेंगे, उनको मेंटेनेंस करो, उसको वैसी चाप रखो, मगर जो भी दूसरी ओपी ब्लॉक है और खुली कुतुबशाह ब्लॉक है और या प्रेजेंट 6 एकर खाली है ज़मीन, ये 6 एकर के ऊपर 2010 में जब कांग्रेस हुकूमत थी, जब 200 करोड़ रुपये से 8 फ्लोर 12 लाख स्क्वायर फीट का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाओ बोल के हम ऑर्डर भी दे चुके और ये गवर्नमेंट अब इम्प्लीमेंट नहीं करी। आज कांग्रेस की ये मांग है कि यहाँ पे आप एक आलीशान हॉस्पिटल बना सकते, उस्मानिया हॉस्पिटल हिंदुस्तान के 10 हॉस्पिटल में जाना जाता 100 साल पुराना हॉस्पिटल है, इसके अंदर 8 लाख आउट पेशेंट आते सालाना, 50,000 से ज़्यादा इन पेशेंट आते, हैदराबाद की शान है, तेलंगाना का विखार है। और हम कांग्रेस पार्टी ये चाहते कि ओल्ड सिटी की पब्लिक को सहूलत मिलना और यहाँ पे एक ऐसा हॉस्पिटल तामीर होना जो सारे हिंदुस्तान का नंबर 1 हॉस्पिटल हो, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल हो। क्योंकि आपकी इतला के लिए और एक चीज़ बता दूँ कि उस्मानिया हॉस्पिटल जो है उसको एक कॉलेज है, वो कॉलेज के जितने भी मेरिट के स्टूडेंट आए वो पूरे यहाँ पर आते। मगर अफसोस इस बात का है जब मैं डॉक्टरों से पूछता हूँ तो वो बात ये बोलते हैं, फिरोज साहब हमारे पास हुनर है मगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप पेपरों में देखे पहले ये हेरिटेज बिल्डिंग के अंदर पानी आ गया था, खुली कुतुबशाह बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट करे वहाँ पे भी पानी आ गया। अफसोस इस बात का है कि मेरे को देखते हुए टीवी में कि बेडों के नीचे पानी आ गया, सलाइन लेके लोग अटेंडेंस ठहरे हुए हैं। ये हैदराबाद है, ये हाईटेक सिटी है, ये तेलंगाना का राज है, ये गोल्डन तेलंगाना है, ये बंगारू तेलंगाना है। तो मैं और कांग्रेस पार्टी एक ही आवाज़ में बोलती, अब बहुत हो चुका है
और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल डेवलप होना, उस्मानिया के अंदर एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आना। और मैं आपके चैनल के थ्रू बोलता हूँ, यहाँ के एमपी असदुद्दीन को आके बोलना है कि ओल्ड सिटी का ये विकार है, इसको आप डेवलप करिए। असदुद्दीन आके यहाँ पे नहीं बोल रहे क्योंकि उनका ओएसी हॉस्पिटल की दुकान बंद हो जाती बोल के, और दूसरे कॉर्पोरेट हॉस्पिटलों से केसीआर और टीआरएस की गवर्नमेंट मिली हुई है। तो कांग्रेस की एक ही मांग है, यहाँ पे हॉस्पिटल बनना। और आज हम पीसफुल तरीके से आए और हमारी नीयत का इजहार करें, और अगर से यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं बनेगा हम एहतजाज करेंगे, और जब तक हॉस्पिटल नहीं बना टीआरएस की गवर्नमेंट को आराम से रहने नहीं देंगे। जय कांग्रेस, जय हिंद, धन्यवाद, शुक्रिया। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल देखने आए हैं। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की मेन बिल्डिंग जो है निज़ाम की टाइम पे 1920 में बिल्ड हुआ था। ये उस्मानिया हॉस्पिटल जो है जो निज़ाम की टाइम पे बिल्ड हुआ था, आप लोग भी देखिए, अभी तक बिल्डिंग और बिल्डिंग की स्ट्रक्चर बहुत अच्छी है, और ये बहुत पूरी हैदराबाद की, सब लोगों का, पूरी तेलंगाना की शान है। इज़ अ प्राइड ऑफ हैदराबाद। अब दुख की बात है, केसीआर साहब इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, वो चीफ मिनिस्टर बन के अभी 7 साल होने वाले हैं, 7 साल में इतनी बड़ी बड़ी बात कर चुके हैं, लेकिन पूरी तेलंगाना में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्कुल कुछ भी काम नहीं किए। अब देखिए, अगर उस्मानिया हॉस्पिटल के जो पूरी हैदराबाद और तेलंगाना की शान है, अगर ये उन्होंने कुछ काम नहीं किया तो अब बाकी क्या काम किया होगा। अब हम पहले से एक ही डिमांड कर रहे हैं, जो ओरिजिनल मेन बिल्डिंग है जो निज़ाम ने बनाया था, उसको आप एज इट इज़ छोड़ के उसके रेस्टोरेशन करिए, रिपेयर करिए, स्ट्रेंथन करिए। वो हेरिटेज बिल्डिंग है और हमारी हेरिटेज है, वो उसको ऐसा छोड़ के इस खाली जगह में नए बिल्डिंग बनवाइए। हम बहुत से समय से कांग्रेस पार्टी यही डिमांड कर रही है। 6 एकड़, यह 6 एकड़ ज़मीन है ये। अब किस लिए? अब किसी कॉरपोरेट हॉस्पिटलों को प्रोटेक्ट करने के लिए केसीआर साहब नहीं कर रहे हैं क्या? और कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट है क्या? ये समझ में नहीं आ रहा। कांग्रेस पार्टी सीरियसली डिमांड करते हैं कि ये जो निज़ाम ने बिल्डिंग बनाया है, हेरिटेज बिल्डिंग, उसको ऐसी छोड़ दीजिए, उसको रेस्टोर करिए, रिपेयर करिए, स्ट्रेंथन करिए। और यहाँ ये 6 एकड़ में उस्मानिया हॉस्पिटल के लिए वॉर फुटिंग में नया बिल्डिंग बनाइए। आप अपने घर के लिए प्रगति भवन बना लेते हो, आप कोई मतलब नहीं है। आप आपकी सुपरस्टिशियस बिलीफ के लिए सेक्रेटरीट, अच्छा हुआ सेक्रेटरीट डिमोलिश कर लेते हो, और जो लोगों के लिए ज़रूरत है उनके हेल्थ के लिए और उनके मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, इस बिल्डिंग के बारे में अब तक कोई भी, 6 साल में कुछ भी नहीं होता। बहुत दुख की बात है, ये केसीआर गवर्नमेंट की फंक्शनिंग की एग्जाम्पल है। दूसरी बात, झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं लोग। अब परसों जब उस्मानिया ये बिल्डिंग पे पानी आया अंदर, ये बिल्डिंग डिफेक्ट की वजह से नहीं आया, ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो है वो ब्लॉक हुआ था, इसलिए पानी अंदर आया। अब चीफ मिनिस्टर बतानी चाहिए कि उनके आपकी 6-7 साल में ये पुरानी जो मेन बिल्डिंग है उसकी रेस्टोरेशन के लिए, रिपेयर के लिए आपने क्यों 1 रुपये भी खर्चा नहीं किया? उसका कोई समझाइश नहीं। आज हम डिमांड करते हैं उसको रेस्टोर करें, और यहाँ इस ओपन एरिया में, 6 एकर्स के ओपन एरिया में ऑलरेडी गवर्नमेंट में 3 साल से प्रपोजल है यहाँ 500 करोड़ का बिल्डिंग बनाने का, वो इमीडिएटली सैंक्शन करके काम शुरू करना है। कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है। कांग्रेस गवर्नमेंट में उसके बारे में मैं अभी इतना ही बताना चाहता हूँ, हमेशा कांग्रेस पार्टी ने इस बिल्डिंग मेंटेनेंस के लिए, इस बिल्डिंग रिपेयर के लिए बहुत इंटरेस्ट से काम किया है। थैंक यू।